हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो सेशन में। माइजल डॉक्टर जयवाग ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर वाघ बायोलॉजी इंस्टीट्यूट नासिक, मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आपके लिए वीडियो सेशंस के साथ। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो चैप्टर तो सेम ही है जैसे हम पिछले कुछ वीडियोज का सीरीज में वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं, तो उसमें टॉपिक जो आज सिलेक्ट किया है वो है C4 पाथवे, जिसे हम HS के पाथवे के नाम से भी जानते हैं। और आप बोलोगे बच्चों कि आपने बोर्ड पर तो कुछ अलग ही लिखा है। यस, अगर आपको C4 पाथवे या HS के पाथवे पढ़ना हो तो आपको उसके लिए एक ज़रूरी बात पढ़नी होती है। सबसे पहले वो आपको पता ही होनी चाहिए, तो वो बात होती है आपको क्रैंज एनाटॉमी पता होनी चाहिए। बच्चों, क्रैंज एनाटॉमी का मतलब क्या होता है ये मैं आपको वेरी अभी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये जो क्रैंज एनाटॉमी होती है, इट इज फाउंड इन C4 प्लांट्स। ये कौन से प्लांट्स में पाई जाती है? तो C4 प्लांट्स में पाई जाती है। अभी C4 प्लांट्स कौन से होते हैं जो C4 पाथवे को हार्नेस करते हैं? देखिए बच्चों, ये तो सब C4 पाथवे में आ जाएगा, लेकिन अभी क्रैंज एनाटॉमी पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, क्रैंज एनाटॉमी, ये जो वर्ड है ना, क्रैंज या ब्रेथ बोलते हैं हम इसे, इसका सिंपल में मीनिंग होता है इट इज नेकलेस अराउंड द हेड और नेकलेस अराउंड द हेड। तो कैसे क्या ये बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक जरूरी बात कौन सी बच्चों, आपके पास अगर रेफरेंस बुक है, आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक है NCERT की या स्टेट की, तो आप उसे प्लीज आपके सामने रखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रैंज एनाटॉमी। देखिए बच्चों, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट यूजुअली हमने पढ़ा है अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो उसमें ग्रैना होता है, स्ट्रोमा होता है। यूजुअली जो C3 प्लांट्स होते हैं ना, C3 प्लांट्स में ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये दो पार्ट्स में बढ़ जाता है, एक होता है स्पॉन्जी और दूसरा होता है पेलिशेड। लेकिन यहाँ पर C4 प्लांट जो होते, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मेज, शुगर केन और एमरेंथस। तो ये जो प्लांट्स है ना बच्चों, ये प्लांट में एक छोटा सा एडजस्टमेंट हो जाता है। एडजस्टमेंट क्या होता है, ये प्लांट का जो लीफ होता है ना, ये इसमें डायमॉर्फिज्म, ये इसका जो क्लोरोप्लास्ट का डायमॉर्फिज्म होता है ना, ये डायमॉर्फिज्म आपको देखने को मिलता है। कैसा डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है देखिए बच्चों, तो अगर आपने डायग्राम आपके सामने रखा है तो आप देख सकते हो, कोई भी टीयर्स ऑफ C4 प्लांट आप लेंगे तो उसमें आपको दिखाई देता है कि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं ना, जाइलम और फ्लोएम, उससे सराउंड करने वाली पर्टिकुलर सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल। इट इज अ स्पेशलाइज्ड मेसोफिल सेल्स दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। और दूसरी जो बची हुई होती है अराउंड दैट, तो एक ही तरह की सेल्स होती है जिसे हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स। तो बच्चों, इसमें डायमॉर्फिज्म कैसे होता है ये पहले पढ़ लीजिए। देखिए, ये जो बंडल शीथ सेल्स होती है ना, जैसे मैंने बताया, these bundle sheath cells are found around the xylem and phloem, इसका मतलब वो vascular bundle के around होती है, that's why they are called as a bundle sheath cell। तो bundle sheath cell जो होती है उसका comparison अगर करेंगे mesophyll cell के साथ तो कौन कौन से points हमें मिलते हैं। देखिए बच्चों, bundle sheath cell जो होता है वो होता है अग्रैनल। बच्चों, अग्रैनल का मतलब क्या है, negative word है ग्रैना का, मतलब अग्रैनल का मतलब क्या होता है, इसमें only stroma, yes it contain only stroma। सेकेंड थिंग, इसका जो साइज होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें, वो इट इज फाउंड इन समवॉट बिगर इन साइज, और साइज अगर बड़ा होता है तो ऑफकोर्स उसका क्वांटिटी कैसा बन जाता है, लेस क्वांटिटी। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है, सबसे पहले तो क्लोरोप्लास्ट अग्रैनल है, दूसरी बात उसका जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं उनकी साइज बिगर होती है, बड़ी होती है, क्वांटिटी कम होती है, और सबसे जरूरी बात, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें कौन सा एंजाइम अबंडेंटली प्रेजेंट होता है, तो रूबिस्कोर। ये आपको मैं बाद में, अगर C4 जब हम C4 पाथवे पढ़ने वाले हैं तब मैं आपसे पूछने वाला हूँ। और अगर कंपेयर करेंगे मेसोफिल सेल से, तो देखिए बच्चों, ये अग्रैनल था तो ये ग्रैनल है, मतलब यहाँ पे ग्राना क्वांटिटी में ज्यादा होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनकी साइज स्मॉलर होती है कंपैरेटिवली। अगर साइज कम है तो क्वांटिटेटिवली ये क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, यस डेफिनेटली दे आर मोर इन क्वांटिटी। और यहाँ पे जो एंजाइम आपको अबंडेंटली मिलने वाला है, बच्चों मैं एब्सेंस या प्रेजेंस नहीं बोलूंगा, आई विल से कंपैरेटिवली एक्सेस। तो ये कंपैरेटिवली एक्सेस में कौन सा एंजाइम होते हैं, यहाँ पे PEP कार्बोक्सिलेज, जिसे हम PEP केज ऐसा भी बोलते हैं। तो बच्चों, अगर आपको क्रैंज एनाटॉमी समझ में आ गई हो With reference to textbook, तो मैं अभी next slide पर शुरू करने जा रहा हूँ C4 pathway, जिसे हम HSK pathway के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों,
ये आपके सामने जो स्लाइड है ये है C4 पाथवे की। C4 पाथवे वाज डिस्कवर्ड बाय HSK, इसका मतलब थ्री पीपल्स फॉर देयर। एक्चुअली इसे डिस्कवर किया था कॉर्शैक ने, और इसमें जितने भी सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस थी उसका अरेंजमेंट या उसे फिर से डिस्कवर करने का काम किया था स्लैक और हैच ने। दैट्स व्हाई टुगेदर ऑल दीस थ्री पीपल्स आर कॉल्ड एज HSK, हैच, स्लैक एंड कॉर्शैक। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज HSK पाथवे। तो इसे C4 पाथवे क्यों बोलते हैं? अगर आपने C3 साइकिल पढ़ी होगी तो आपको रीजन शायद पता होगा कि C3 साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड मिलता है वो होता है थ्री कार्बन। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज अ C3। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड आपको मिलेगा वो होगा 4 कार्बन। दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज ऑल्सो सॉरी दिस पाथवे इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ C4 पाथवे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं C4 या HSK पाथवे। तो देखिए HSK पाथवे मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। प्लीज हैव द रेफरेंस एज अ टेक्स्ट बुक। आपके पास NCERT का स्टेट बुक का कोई भी टेक्स्ट बुक हो तो प्लीज सामने रख लीजिए। C4 पाथवे लाइफ आपके सामने अगर होगा तो ये वीडियो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ सकता है। बच्चों दिस HSK पाथवे या C4 पाथवे आपको दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, दो पार्ट में पढ़ना होता है। तो सबसे पहला पार्ट होता है मेसोफिल सेल और दूसरा होता है बंडल शीट सेल। तो मेसोफिल सेल्स विल कैरी आउट हाउ मेनी रिएक्शंस? तो बच्चों इट विल कैरी आउट टू इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। व्हाट आर दोस टू रिएक्शंस? तो सबसे पहले उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है, बच्चों इस पर बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। व्हाट इज द CO2 एक्सेप्टर, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन C4 पाथवे HSK पाथवे? तो उसका नाम है PEPA। और वही क्वेश्चन अगर मैं C3 में पूछूंगा तो वो होता है RUDP, जो होता है 5 कार्बन। ये बेसिक डिफरेंस है C3 और C4 में। तो जो 3 कार्बन PEPA होता है उसका पूरा नाम है फॉस्फोएनॉल पाइरुविक एसिड। तो ये जो फॉस्फोएनॉल पाइरुविक एसिड है ये कंबाइन हो जाता है CO2 से, मतलब ये रिएक्शन को आप बोल सकते हो कार्बोक्सिलेशन। डेफिनेटली एडिशन ऑफ CO2 इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। और सबसे जरूरी बात, ये रिएक्शन कैटेलाइज करता है एक सबसे जरूरी एंजाइम जिसका नाम होता है PEP कार्बोक्सिलेज, जिसमें PEP का मतलब होता है फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो ये हो गया कार्बोक्सिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड PEP कार्बोक्सिलेज, एंड यू हैव गॉट द प्रोडक्ट दैट इज 4 कार्बन OAA। तो पहला स्टेबल कंपाउंड जो हमें मिलता है उसका नाम है ऑक्सलो एसिटिक एसिड, और ये 4 कार्बन है। दैट्स व्हाई दिस पाथवे इज कॉल्ड एज अ C4 पाथवे। तो ये जो OAA फॉर्म हो गया है, अभी रिएक्शन नंबर 2 देखिए बच्चों, ये जो ऑक्सलो एसिटिक एसिड है 4 कार्बन, ये अब हो जाएगा रिड्यूस्ड। अभी रिड्यूस्ड क्यों बच्चों? अगर यहाँ पे CO2 ऐड हो रहा था तो कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा रिडक्शन। तो देखिए इन प्रेजेंस ऑफ NADPH2 जिसे हम ऐसे मिलिट्री पावर भी बोलते हैं, तो ये OAA कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में, जो 4 कार्बन कंपाउंड है। और सबसे जरूरी बात, NADPH2 से H2 निकलने के बाद बन जाएगा NADP। तो ये दो रिएक्शंस कहाँ पे हो गए बच्चों? मेसोफिल सेल्स में। सबसे पहले था PEPA, वो बन गया OAA, और उसका रिडक्शन होने के बाद वो बन गया मैलिक एसिड। तो अभी ये जो मैलिक एसिड है ना बच्चों, ये मैलिक एसिड अभी शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा? बंडल शीट सेल्स में। तो मेसोफिल सेल से ये जो मैलिक एसिड है वो शिफ्ट हो गया है बंडल शीट सेल्स में। अभी बंडल शीट सेल्स में जाने के बाद ये जो मैलिक एसिड है, ये मैलिक एसिड अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। बच्चों दो रिएक्शंस एट ए टाइम कैसे हो सकती है? तो देखिए मैलिक एसिड से अगर CO2 चला जाएगा तो आप उसे क्या बोलेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन। अगर एडिशन ऑफ CO2 को कार्बोक्सिलेशन कह सकते हैं तो रिमूवल ऑफ CO2 को आप बोल सकते हो डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, दैट्स व्हाई ये रिएक्शन को हम बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। दूसरी बात, उसमें NADP ऐड होकर हाइड्रोजन निकालता है, इट रिमूव्स हाइड्रोजन। बच्चों हाइड्रोजन बाहर आ रहा है, ये रिएक्शन को मैं एक तरह से बोल सकता हूँ ऑक्सीडेशन। आई एम कॉलिंग इट एक तरह से, मतलब आई कैन कॉल इट ऑक्सीडेशन। और इसका सही में मतलब होता है या मीनिंग होता है डीहाइड्रोजिनेशन।
तो देखिए बच्चों, CO2 लॉस हो गया तो डीकार्बोक्सिलेशन, और हाइड्रोजन लॉस हो गया तो ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों को अगर मिला दूं तो मैं इसे बोल सकता हूँ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। आपको पूछा भी जाता है तो आपको याद रखना है कि बंडल शीट सेल्स में क्या होता है, मैलिक एसिड अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो रिडक्टिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, बिकॉज ऑफ रिडक्टिव डीकार्बोक्सिलेशन आपको मिलता है पाइरुविक एसिड। अब ये जो पाइरुविक एसिड है ना बच्चों, ये पाइरुविक एसिड पर जो नेक्स्ट रिएक्शन होती है, वो नेक्स्ट रिएक्शन समझाने के लिए मैं फिर से अपनी जो स्लाइड है उसे ले लेता हूँ। बच्चों देखिए, ये जो सेकेंड रिएक्शन है तो उसमें जो CO2 प्रोड्यूस हो गया है, जो CO2 प्रोड्यूस हो गया है, जैसे कि डीकार्बोक्सिलेशन हुआ था तो जो CO2 बाहर आया था, ये जो बाहर आया हुआ CO2 होता है, दिस CO2 एंटर्स केल्विन साइकिल, और केल्विन साइकिल में आने के बाद वहां पे उसे एक्सेप्ट करता है 5 कार्बन RUDP, RUDP उसे कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, मतलब वो CO2 तो यूटिलाइज हो गया, जैसे कि C3 साइकिल में वो एटमोस्फेयर में लॉस हो रहा था, यहाँ पे CO2 का यूटिलाइजेशन हो गया। कौन सी साइकिल में? C3 साइकिल में। तो कार्बोक्सिलेशन कितनी बार हुआ बच्चों, कार्बोक्सिलेशन कितनी बार हुआ? पहले तो हुआ मेसोफिल सेल्स में, जो किसने किया? PEPA ने किया। और यहाँ पे सेकेंड टाइम कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, जो किसने किया? किसने किया? 5 कार्बन RUDP या RUBP। तो आपको ये पूछा जाता है कि C4 पाथवे में कितनी बार कार्बोक्सिलेशन होता है, तो 2 बार होता है, दो अलग अलग एंजाइम उसे कैटेलाइज करते हैं, दो अलग अलग CO2 एक्सेप्टर उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो ये CO2 का तो काम हो गया। अभी जो पाइरुविक एसिड है, ये पाइरुविक एसिड शिफ्ट हो जाता है अभी मेसोफिल सेल्स में, नाउ इट इज ट्रांसपोर्टेड। इसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है कौन से सेल्स में? तो मेसोफिल सेल्स में। ये फिर से मेसोफिल सेल्स में आ गया। नाउ दिस पाइरुविक एसिड अंडरगो फॉस्फोरिलेशन। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ चुका होगा कि फॉस्फोरिलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, और फॉस्फेट का एडिशन कौन करता है बच्चों? तो ATP करता है। तो दिस पाइरुविक एसिड अंडरगो फॉस्फोरिलेशन। यहाँ पे ATP ऐड हो गया बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ऐड होने, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ फॉस्फेट हमें मिल गया 3 कार्बन PEPA, फॉस्फो एनॉल पाइरुविक एसिड। तो अगर आप बुक में अगर देखोगे तो हमने स्टार्ट भी किया था PEPA से, और हम आखिर में कहाँ पे आ गए हैं? फिर से PEPA पर। तो हमारा स्टार्ट प्रोडक्ट था PEPA और इसका एंड प्रोडक्ट भी है PEPA। तो बच्चों ये था अबाउट क्रैंज एनाटॉमी और C4 पाथवे। तो C4 पाथवे में कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, कैसे होती है, ये हमने सब पढ़ा इस वीडियो में। आई होप आप सब ये वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। आई नो दिस इज अ काइंड ऑफ एडजस्टमेंट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना क्राइसिस, लेकिन बच्चों मैं आपसे कांटेक्ट में हूँ, एंड आई होप आप एंजॉय कर ही रहे होंगे। लेकिन लेकिन अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। आई विल डेफिनेटली आंसर टू ऑल दोज क्वेरीज, एज वेल एज आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दोज ऑब्जेक्शन रेज बाय सम पीपल्स। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।